दोस्तों आज मैं आपको ड्राइंग कार्टून 2 ऐप का 3 सबसे बेस्ट एनिमेशन मेथड सिखाने वाला हूँ, जिनसे आप अपनी कार्टून वीडियो को और भी प्रोफेशनल बना सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एनिमेशन मेथड हर बड़े चैनल अपनी कार्टून वीडियो में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए ये 3 एनिमेशन क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। सो दोस्तों, इस 3 एनिमेशन को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कैरेक्टर में सही से बोन ऐड करना होगा। जैसे सबसे पहले आइटम कंस्ट्रक्टर ऑप्शन में जाके कैरेक्टर का सर ऐड करेंगे। इसके बाद आई और माउथ लगाने के लिए इस तरह से बोन ऐड कर देंगे। इसके बाद हम गैलरी से इसकी आई ऐड करेंगे और इस बोन में अटैच करके इसके फेस में अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आपने इसमें आई तो लगा दिया, लेकिन हम इसकी पलके कैसे झपकाएंगे? तो दोस्तों, इसका भी सोल्यूशन है। आपको आई में ही इसकी पलके ऐड कर देनी है। नहीं समझ में आया? चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आई वाले बोन पे क्लिक करके एडिट में जाएंगे। इसके बाद इस लेयर में जाके गैलरी से इसकी पलके ऐड करेंगे और आई के ऊपर रख के उसके साइज के बराबर एडजस्ट कर देंगे। अब हम लास्ट में इसकी मेन पॉइंट को स्लैब बना देंगे और ये ऊपर वाली बोन को मास्टर बना देंगे। अगर आप स्लैब और मास्टर पॉइंट के बारे में नहीं जानते हैं तो आई बटन वाली वीडियो देख लीजिए। सो अब इसका काम हो गया, अब आपको इसे सेव कर देना है। अब इसके बाद आपको फिर अलग से उस सर के बॉडी पार्ट इसमें ऐड करके बोन ऐड कर देना है। सो यहाँ पर मैंने पहले ही इस पूरे बॉडी में बोन अटैच कर दिया है, क्योंकि भाई बोन ऐड करने की वीडियो पहले ही बना रखी है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो अब इसमें आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, जैसे इसके गर्दन में बोन अटैच करके कुछ इस तरह से बना देना है। और ध्यान रहे, इस बोन को गर्दन से थोड़ा नीचे ही रखेंगे। इसके बाद इस बोन को मास्टर बना देंगे। और हाँ, मास्टर से मुझे याद आया कि आपके स्कूल में सबसे खतरनाक मास्टर जी कौन थे, नीचे कमेंट करके बताएं। इसके बाद इसका भी काम हो गया, तो इसे भी सेव कर देंगे। इसके बाद अब हम उस 3 एनिमेशन मेथड के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले अभी हमने जो बॉडी और सर बनाया था उसे ऐड कर देंगे और इसका माउथ भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला एनिमेशन मेथड ये है कि आप अपनी स्टोरी के अनुसार इसकी मुंडी को लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं, जो कि ये एनिमेशन हर बड़े चैनल वाले करते हैं। और दूसरा ये है कि आप इसकी मुंडी को डी अटैच करके इसके धड़ से अलग कर सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी में सर काटने वाला कोई सीन है तो ये एनिमेशन आपको बहुत ही काम आएगी। और तीसरा लास्ट सबसे बेस्ट एनिमेशन मेथड है सिर को अप डाउन करना। जैसे एक फ्रेम को बीच करके इसकी मुंडी को अप डाउन करेंगे। देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से एनिमेशन हो गया। और आपने ये एनिमेशन कई कार्टून वीडियो में भी देखा होगा, मतलब ये एनिमेशन हर जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी मुंडी को अप डाउन क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कैरेक्टर हमें जीवित दिखाई दे, अगर इसकी बॉडी मूवमेंट ना करे तो हमें लगेगा कि ये मरा हुआ है, तो इसलिए इसकी मुंडी को मूवमेंट किया जाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और हाँ, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। ओके, सो या चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया, YouTube के थ्रू नया परिवार है बना लिया।